हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मानने सर, न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। सीएम का होने वाला दामाद। सो वंस अगेन वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? जस्ट तो फाइनली हो चुका है सिकंदर मूवी रिलीज, जो बना है बोयापति सिरीनू के डायरेक्शन में। तो इसके अंदर हमें राम पोथिनी मिलेंगे देखने के लिए। तो ये मूवी हमने देख चुके हैं, तो कैसी है ये मूवी और कैसा है इसका BGM और कैसी है इसके अंदर परफॉर्मेंस और किस लेवल का है मास और मसाला, तो बनी रही हमारी वीडियो के साथ। जल्दी करेंगे हम इस मूवी के ऊपर फुली बात। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. तो फर्स्ट टाइम राम पोथिनी की मूवी हुई है हिंदी में रिलीज, जो हुई है पैन इंडिया में रिलीज। तो जहाँ तक का मूवी के अंदर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए राम पोथिनी की, तो राम पोथिनी का परफॉर्मेंस A1 लेवल का है, जबरदस्त लेवल का है। और जहाँ तक का मूवी के अंदर हम बात की जाए मास मसाला, तो भाई साहब ऐसा हजम मास मसाला भरा हुआ है। अगर आप मास मसाला वाली मूवी पसंद करते हो, अगर आपको कहानी से कुछ लेन देन नहीं है और आपको सिर्फ फुली फाइट और मास मसाला देखना है, तो हम आपको देखिए। तो फर्स्ट टाइम मूवी है राम पोथिनी की पैन इंडिया, वो भी हिंदी में। इसका मूवी के अंदर बात की जाए तो मूवी के अंदर कोई वल्गर सीन नहीं है, एडल्ट सीन नहीं है और एडल्ट डायलॉग भी नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मास मसाले वाला मूवी, तो आप जाकर थिएटर से जाने जा सकते, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो मास मसाले के साथ में जो BGM बजता है ना थिएटर में, भाई साहब हिला दे रहा था अंदर से। अगर आप राम पोथिनी के फैन तो बिंदास जाके देखिए ये मूवी, क्योंकि हम भी है राम पोथिनी के फैन, इसलिए हमने जाकर देखिए। आप ऐसे व्यूअर हो कि आपको स्टोरी प्लस आपको नया कंटेंट चाहिए, तो आप सिकंदर जैसी मूवी क्यों नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टोरी जो है 2001, 2002, 2010 और 2015, 2016 में जो भी मूवी जो बनती है मास मसाले वाला, वही कंटेंट आपको रिपीटेड मिलेगा, वही फैमिली ड्रामा जैसा कि इस सीन के अंदर बताया गया है। लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं, क्या ये सही है अंकल? और वही पुराने वाला कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और मास मसाला जिसके अंदर स्टोरी के अंदर कुछ सोल नहीं है, स्टोरी के अंदर कोई स्टोरी नहीं है, वही रिपीटेड स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो मास मसाला वाली जो मूवी जो रिलीज हुई है, इसके अंदर आप बनते जैसा कि सरा नायडू और विनय विद्यारामा जैसी मूवी के अंदर आप देख चुके हो, तो सेम टाइप का कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, सेम टाइप का स्क्रीन प्ले देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक से न्यू टाइप की आपको इसमें एक्शन और मास वाले एक्शन सीन देखने के लिए मिलेंगे। मूवी के अंदर सॉन्ग जो है वो है, लेकिन एक ही सॉन्ग इसके अंदर से अच्छा लगता है, जो कि मैक्सिमम लोग गाने हुए डब हुए कुछ खास डब हुए। और जहाँ तक मूवी के अंदर जो गानों के अंदर जो डांस किया गया है वो जबरदस्त लेवल का लगा है। उनका फर्स्ट हाफ आपको फुल इंटरटेन करेगा, जहाँ पर आपको जो भी स्टोरी है स्टोरी लाइन आपको वही सेकंड जो उसका पार्ट आता है उसे बहुत खींच दिया गया है, ऐसा लगता है इसकी शुरुआत ही है और स्टोरी सेकंड हाफ के अंदर पिक्चर कहीं कहीं बोर भी करती है। क्लाइमेक्स का जो सीन है जिसके अंदर फाइट वगैरह है वो ऑसम है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप खुद थोड़ा बहुत बोर हो जाते हो। कि मेकर्स का ये काम होना चाहिए कि आपको एक अच्छी तरह की स्टोरी दिखाना चाहिए, ना कि वही रिपीटेड स्टोरी दिखाना चाहिए और वही रिपीटेड मास मसाला। अरे यार पब्लिक है, पब्लिक हर टाइम नया मांगती है। अगर डायलॉग की बात की जाए तो डायलॉग कुछ इतने खास नहीं लगे इसके अंदर, लेकिन कुछ कुछ जगह पर डायलॉग दमदार भी। तक हीरोइन की बात की जाए तो हीरोइन हमें गानों में और कुछ कुछ जगह ही फिर नजर आई है, और ऐसा लगता है कि हीरोइन का इसके अंदर कुछ काम है या नहीं है। करूँ अगर इस मूवी को रेटिंग की तो मैं दूंगा 5 में से 3 रेटिंग, क्योंकि बोयापति सिरीनू ने सिर्फ इसके अंदर मास 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 और फैमिली 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 और वही बदले वाली भावना भर दी। तो ये था ओवरऑल हमारे सामने सिकंदर का रिव्यू। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। सो लेट्स सी यू अगेन, थैंक यू।